तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए शुएब का टेक चैनल को इस बाजू में दबाए इस घंटे को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ये है Hyundai असेंट का, ये पेट्रोल पड़ी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो गाड़ी में टेमिंग बेल्ट कट हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते होंगे इसकी जो टेमिंग बेल्ट है कट हो चुकी है। जो नक्शी की टेमिंग बेल्ट कट होने की वजह से इसका जो हेड का वॉल है बेंड हो चुका है। जो टेमिंग बेल्ट सडन आपको कट हो जाएगी तो हेड का वॉल आपको बेंड हो गया है। और देख सकते हैं कि अब चार नंबर के वॉल जो है बेंड हो चुका है। इसमें जो टेमिंग बेल्ट कट होने की वजह से जो हेड का वॉल बेंड हो चुका है। नेक्स्ट जो मैं इसको हेड है हेड खोलने वाले हैं, हेड खोल के जो हेड का वॉल है रिप्लेस करने वाले हैं। आपको फिटिंग दिखा देता हूँ, आपको देख सकते हैं पहले फिटिंग खोल चुका हूँ। देख सकते हैं इग्निशन कॉइल, साइलेंसर, फिटिंग खोल देता हूँ। नीचे की तरफ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं पुल्ली खोलन होगा। पहले ही बेल्ट रिप्लेस कर चुका हूँ इसके बेल्ट को। नेक्स्ट डे जो अल्टरनेटर ये है वो एक रिप्लेस कर लूँगा। पुली का बोल्ट एक लूज करना होगा आपको निकल के, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से पड़ा के बोल्ट को मैंने लूज कर लिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 mm के बोल्ट आएंगे वाटर पम्प के लिए बैठा हुआ वो पुली में। आपको हमारे पुली का वाटर पम्प के बोल्ट आते हैं। पुली में 10 mm के चार बोल्ट आएंगे, वो बोल्ट को आपको कलर लूज करना है। फर्स्ट ही आपको लूज करके बाद बेल्ट है आपको खोलना होगा। खोलेंगे नेक्स्ट इसके ऊपर बुलेट का फुल फोर्स फिटिंग में खोल चुका हूँ। ज़्यादा वायरिंग नहीं है इसमें, यहाँ पर देख सकते होंगे फ्यूल इंजेक्टर की चार वायरिंग आएंगे, पेंट आउट सेंसर के फिर वायरिंग है, फ्यूल इंजेक्टर की वायरिंग आ जाएंगे आपको। इसका जो पेट्रोल पाइप है पेट्रोल पाइप खुला रहा है। पाइप खोल के जो शील्ड खुल गए, जो एग्जॉस्ट के नट आते हैं 12 नंबर के, सारे नट को आपको खोल लूँगा मैं। फिटिंग खोलना होगा जो टेबिंग बेल्ट है, टेबिंग बेल्ट के लिए सब के अंदर के जो चार बोल्ट आते हैं वाटर पम्प के, उसको भी खोल लेना होगा। वाटर पम्प के चार नॉर्मल खोल लेंगे तो इजीली पूरा आ जाएगा। शील्ड बाद आपको नीचे शील्ड खोल के दिखा दो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सारी फिटिंग कंप्लीट खोल चुका हूँ। इसका एग्जॉस्ट के जो नट आते हैं 12 नंबर के सारे खोल चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं टेन कवर के जो शील्ड होते हैं खोल दिए होंगे। 10 mm के आपको चार बोल्ट आ जाएंगे री शील्ड के ऊपर। इसकी जो वाटर पम्प के पुलिया आती है, हेड फिल्टर है, इसके कॉयल है, कॉयल सब खोल लिया हूँ। 10 mm 12 नंबर के दो बोल्ट आएंगे कॉयल के, आपको बताया था हमें इस ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट का आपको बोल्ट आएंगे, आपको दो बोल्ट आएंगे इधर पेट्रोल पाइप पर स्लीपर सब होते हैं पूरे। कूलेंट पाइप, शील्ड और स्टीयरिंग बेल्ट, तो सारे बोल्ट लूज कर चुका हूँ। सब हेड के बोल्ट खोलेंगे तो जो हेड हमको इजीली आ जाएगा। ये सब आपको मामूली फिटिंग होते हैं, एक स्लेट वायर है, पेट्रोल पाइप सब ये छोटा मोटा फिटिंग। नेक्स्ट जो हेड के बोल्ट खोलूँगा तो हेड हमको बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हेड को जब पूरा कंप्लीट खोल चुका हूँ मैं, ये टॉप और कैम सब देख सकते हैं, ये जो वाल है बेंड हो चुका है। वहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, सडन बेल्ट कट हो गई तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इंजन पर 15 नंबर पर जो वाल बेंड हो चुका है। सडन जब बेल्ट कट होती है जो वाल है आपको 15 की तरफ मार देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लगा है और यहाँ पर एक लगा है।
चौथे नंबर पे एक जो वाल सडन घूमते घूमते जब बेल्ट कट होती है, जब पिस्टन टॉप पे आके जो वाल जो रहता है सडन जब बॉल को तो मार देती है, जो पिस्टन है वाल के मारने की वजह से जो वाल है बेंड हो चुका है उसका, इसीलिए हमको जो हेड का काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो लेथ में देखें हम उसको सारे वाल रिप्लेस करा के सील सब चेंज करा के नेक्स्ट हेड गैसकेट इंस्टॉल करेंगे। ये इसकी जो पुरानी वाली हेड गैसकेट, जो नेक्स्ट टाइम लेथ से आते हैं मैंने अच्छा सरफेस करा के हेड को जो वाल गिल सब रिप्लेस करके इंस्टॉल करेंगे। स्टॉप करके आपको जो टाइमिंग है टाइमिंग का प्रोसेस बताएंगे। इसे खास ऐसी कुछ फिटिंग होती नहीं है, बस इतना छोटे वायरिंग होते हैं, इंजेक्टर की वायरिंग है, सिलेंडेशन कॉइल के कॉलिंग है, एग्जॉस्ट और फुल कॉलिंग होती है इधर से कॉलिंग है। पर एल्बो भी आएगा, एल्बो को खोल लेना होगा आपको। 12 नंबर का बोल्ट एक नट एक बोल्ट आएगा, दिखा देता हूँ आपको बोल्ट है। इसमें आपको एक जिसकी पैकिंग होगी, पैकिंग डाल के जो एल्बो है एल्बो भी आपको खोल लेना होगा। ये वाला पाइप आपको यहाँ पर बैठेगा, शायद आपको आपको मैं दिखाया नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे लेट से कंप्लीट हेड मंगा चुका हूँ मैं। इसके जो वाल सब है सारे नए बता चुका हूँ उसको, स्टम सील होते हैं सब अंदर सब रिप्लेस कर चुके हैं, सदर सब रिप्लेस कर चुका हूँ। वाल सब देखते हैं सारे नए इतना टेक के एग्जॉस्ट के। नेक्स्ट इसके जो टॉप टॉपर होते हैं वो इंस्टॉल करके जो कैब गिप है सब इंस्टॉल कर दूंगा, इनटेक में फुल इंस्टॉल कर दूंगा। इंजन सेट भी आपको दिखाता रहा हूँ, देख सकते हैं अच्छे से क्लीन कर लिया इंजन को। जो नेक्स्ट हेड गैसकेट मंगा के हेड इंस्टॉल कर दूंगा मैं, असेंबली इधर ही कर लूँगा हाफ। इसकी जो इनटेक मिल फोल्ड है जिसके टॉपिक ट्रॉकर हम होते हैं कैप सब इंस्टॉल करके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हेड को फिटिंग कर चुका हूँ मैं। इसके जो कैम है टॉपिक ट्रॉकर होते हैं, ये जो है टॉपिक ट्रॉकर हाइड्रोलिक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा आपको। तो देख सकते हैं इनटेक मिल फोल्ड सब इंस्टॉल कर चुका हूँ इसका, इसी कुछ खास फिटिंग नहीं है इसमें। 12 नंबर के बोल्ट बैठाएंगे कैम सेंसर, स्पार्क प्लग नहीं होती है अंदर, कैम सील आई है तो सील को एक आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। पुली उठाकर आपको दिख नहीं रहा होगा, नेक्स्ट टाइम हेड को इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हेड गैसकेट को है इंस्टॉल कर चुके हैं, जो नेक्स्ट टाइम हम हेड को इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं कि आपको 8 mm गैलंकी के बोल्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हेड को इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, आपको 8 mm गैलंकी के बोल्ट आएंगे। इस तरह की बिटाई आपको इसमें बोल्ट रखना। नेक्स्ट जो आपको हेड को टार्क रखने के लिए इस गैलंकी नंबर बोल्ट को 60 पे रख के आपको टार्क है रख सकते होंगे। जो नेक्स्ट टाइम इसका एग्जॉस्ट फिटिंग वायरिंग सब इंस्टॉल कर दूंगा, कुछ खास फिटिंग नहीं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट बार जो है आपको टाइमिंग दिखाता हूँ, ये सब एग्जॉस्ट सब इंस्टॉल कर दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी फिटिंग हो चुकी है इसकी, जाएंगे तो इंजेक्शन कॉइल है वायरिंग सब सारे इंजेक्टर की वायरिंग सब इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट इसका जो टाइमिंग है टाइमिंग बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो कैम टाइमिंग है सेम आपको होंडा i10 में सेंट्रो में सब आएगा प्रोसेस। यहाँ पे क्रू कटिंग देख सकते हैं, ये वाली कटिंग वाले हेड में एक देख सकते हैं वो दो कटिंग लगे, और ये स्लीव का होल है आपको दो कटिंग आएगी आपको इसमें दोनों कटिंग और साइड लेना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कैम की पुली में आपको मार्क दिखेगा, इस वाले मार्क को आपको ऊपर हेड में देख सकते होंगे, ये रही कैम की पुली में मार्क, और एक मार्क क्या दिखेगा आपको
ये कार टोपिन देख सकते हैं, उसे आपको ऊपर से ढक लेना होगा। यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप ये गियर में इसका मार्क और ये रहा यहाँ पर ऑयल पंप में एक मार्क, ये रही क्रैंक की टाइमिंग, ये रही कैमशाफ्ट की टाइमिंग। इस होल को आपको ऊपर की तरफ मैच कराना होगा, इस कटिंग को आपको यहाँ पे मैच कराना होगा। ये पिन से आपको देख सकते होंगे यहाँ पर एक होल दिखेगा आपको छोटा सा, आप उसमें सेंटर कर सकते होंगे कैप में से। यहाँ पर देख सकते होंगे कटिंग है, इस कटिंग को इस होल से आप सेंटर भी कर सकते होंगे। आपको क्रैंक का दिखा दिया, कैम का इतना ही होता है स्कैनिंग का। सारी फिटिंग्स टाइमिंग और सब इंस्टॉल कर दूंगा, फिर टैबलेट पर सब इंस्टॉल कर दूंगा। नेक्स्ट जो गाड़ी है स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ फिटिंग्स और उसमें करके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी कंप्लीट पूरी हो चुकी है, फिटिंग हेयर फिल्टर सब गाड़ी स्टार्टिंग में देख सकते हैं। सारे इसके जो बेल्ट होते हैं अल्टरनेट होते हैं एसी के, सब बेल्ट सब इंस्टॉल कर, कूलेंट पाइप भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। देख सकते हैं गाड़ी का साउंड, गाड़ी में कोई मिसिंग कोई जर्किंग नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सारी फिटिंग कर चुका हूँ, गाड़ी में कोई मिसिंग कोई जर्किंग नहीं है। गाड़ी ऐसे ही आप बेल्ट बिठा के स्टार्ट करते हैं तो आपको गाड़ी में मिसिंग होती थी, स्टार्ट तो होगी गाड़ी आपको मिसिंग बहुत लग करेगी, कब नहीं आएगा आपको, इसीलिए जो हेड का वाल्व रिप्लेस करना ज़रूरी था, इसीलिए सारे हेड के वाल्व है रिप्लेस करना पड़ा हमको, तभी गाड़ी आपको परफेक्ट होगी।